अब हम भारत की विदेश नीति के नए युग यानी सैन्य कूटनीति का एक विशेषण करेंगे। सैन्य कूटनीति जिसके साथ दूसरी कूटनीति भी शामिल है। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए पहली बार भारत और चीन के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर की संयुक्त बातचीत हो रही है। भारत और चीन के बीच एलएसी पर चीन के इलाके मोल्दो में 13 घंटे से यह बातचीत चल रही है। 13 घंटे हो चुके हैं और अभी भी समाप्त नहीं हुई है। इस वर्ष जून महीने से अब तक कोर कमांडर स्तर की यह छठी मीटिंग है। अब आपको भारत और चीन के बीच सैन्य कूटनीति वाली मुलाकात की 4 बड़ी बातें बताते हैं। ये बातचीत जैसा हम आपको बता चुके हैं 13 घंटे से चल रही है। जो भी कुछ होगा अब आपको कल ही पता चलेगा, आज तो बहुत देर हो चुकी है। लेकिन अभी तक जो हमें बातें पता चली हैं उसके बारे में आपको हम बताना चाहते हैं। इस मीटिंग में और इससे पहले की मीटिंग्स में भी चीन ने पेंगोंग झील से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। इसलिए ऐसा लगता है कि अब दोनों देशों की बातचीत और लंबी खिंचेगी। चीन बार बार इनकार कर रहा है, हम पेंगोंग झील से पीछे नहीं जाएंगे, ऐसा चीन की सेना का कहना है। इस मुलाकात में भारत ने चीन से अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति को बहाल करने के लिए कहा है। यानी चीन के सैनिक पीछे हटकर उस स्थान तक चले जाएं जहां पर वो अप्रैल 2020 में रहा करते थे। तीसरी बड़ी बात यह है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल में लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन भी इस बार शामिल किए गए हैं। जनरल मेनन अक्टूबर से 14वीं कोर की कमान संभालेंगे और इसी 14वीं कोर के जिम्मे लद्दाख की सुरक्षा है। वर्तमान कोर कमांडर जनरल हरिंदर सिंह का कार्यकाल अक्टूबर में समाप्त हो रहा है, लेकिन जो नए कमांडर आ रहे हैं वैसे तो वो अगले महीने आएंगे, लेकिन इस बातचीत में उन्हें पहले से ही आज शामिल किया गया है जिससे कंटिन्यूटी बनी रहे। चौथी बड़ी बात यह है कि पहली बार ऐसी बातचीत में विदेश मंत्रालय का कोई अधिकारी शामिल हुआ है। इस मीटिंग में सैन्य अधिकारियों के साथ विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव भी शामिल हैं, जो कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब विदेश और रक्षा यानी विदेश मंत्रालय के अधिकारी के साथ सैन्य अधिकारी मिलकर एक साथ पीएलए के साथ मीटिंग कर रहे हैं। कुल मिलाकर आज के भारतीय प्रतिनिधिमंडल में 2 लेफ्टिनेंट जनरल हैं, 2 मेजर जनरल हैं, 4 ब्रिगेडियर हैं और आईटीबीपी के आईजी सहित विदेश मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव शामिल हैं। ये हमारा पूरा की पूरा डेलीगेशन है। अब आपको आज की सैन्य और राजनीतिक बातचीत के 5 बड़े मतलब बताते हैं। दोनों देशों के बीच पहली बार ऐसी बातचीत हो रही है जिसमें सेना लीड कर रही है यानी अगुवाई कर रही है और इसमें राजनायक भी यानी डिप्लोमेट भी शामिल हो रहे हैं। इसे आप नए भारत की विदेश नीति के न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट यानी नए नियम कह सकते हैं। इससे पहले सिर्फ सैनिक या जो कमांडर्स थे वही बातचीत करने के लिए जाते थे, इस बार विदेश मंत्रालय का अधिकारी भी गया है। इसी महीने की 10 तारीख को मॉस्को में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई थी। आज की मीटिंग को मॉस्को में हुई मुलाकात का फॉलोअप कह सकते हैं, यानी वहां जिन 5 मुद्दों पर सहमति हुई उसे अब दोनों देश आगे ले जा रहे हैं। आज की बातचीत में शामिल संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव विदेश मंत्रालय में चीन डेस्क के प्रभारी हैं। चीन को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, चीन के बारे में उनकी एक्सपर्टीज है, यानी भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बारे में उन्हें पूरी जानकारी है। इसलिए उनकी उपस्थिति से बातचीत को किसी नतीजे तक पहुंचाने में मदद मिलेगी और जरूरत हुई तो ऑन द स्पॉट फैसले भी लिए जा सकते हैं। बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि होने का एक मतलब यह भी है कि तनाव कम करने के लिए भारत गंभीरता से कोशिश कर रहा है। भारत चाहता है चीन के साथ लगातार मीटिंग होती रहे ताकि दोनों देश किसी समाधान तक पहुंच सके। आज की बातचीत को आप चीन के खिलाफ सेना और विदेश मंत्रालय का संयुक्त प्रयास कह सकते हैं। संभव है कि अगली बार होने वाली किसी कूटनीतिक मुलाकात में भारतीय सेना के प्रतिनिधि भी शामिल हों, यानी डिप्लोमेट्स की मीटिंग में भारत के सैनिक आ जाए, सैनिक अधिकारी आ जाएं, यह भी हो सकता है। चीन में भी इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल बहुत पहले से किया जाता है। हालांकि एलएसी पर पहले और अब की बातचीत में एक अंतर दिखाई दिया है। अब भारत ने भी एलएसी पर कई चोटियों पर कब्जा कर लिया है जिससे चीन परेशान है। पहले जब कमांडर स्तर की बातचीत हुआ करती थी तो भारत चीन से यह कहता रह जाता था कि वो पुरानी स्थिति बहाल करे और अप्रैल 2020 की पोजीशन पर जाए, लेकिन अब चीन भी स्टेटस को बहाल करने की बात कर रहा है। भारतीय सेना का काम सीमा की रक्षा करना है और भारत सरकार का काम सीमा का सही तरीके से निर्धारण करना है। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी है, लगभग 3500 किलोमीटर, लेकिन एलएसी को लेकर दोनों देशों के बीच कोई सहमति नहीं है।
अब भारत सरकार इस विषय पर बहुत ध्यान दे रही है और उम्मीद है कि आने वाले समय में इसका सकारात्मक नतीजा आपको दिखाई देगा। आज की बातचीत में भी विदेश मंत्रालय के अधिकारी को शामिल करने का जो मकसद है वो ये है, सेना अपनी जमीन और अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकती है, उसका काम है रक्षा करना, लेकिन सेना को ये तो पता होना चाहिए कि सीमा कहां पर है। सेना को ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा इलाका चीन का है, कौन सा भारत का है। जब उसे यह पता होगा कि यह इलाका भारत का है तभी तो रक्षा करेगी। लेकिन अभी स्थिति यह है कि भारत की सेना को यह भी नहीं पता कि वो असल में वो सीमा है कौन सी, वो इलाका है कौन सा जिसकी रक्षा करनी है, क्योंकि वो इलाका और वो सीमा लगातार बदलती रहती है, LAC लगातार बदलती रहती है। आप ये समझिए ये फ्लोटिंग LAC है जो कि हर साल दो साल में बदल जाती है। अब भारत की सेना को, भारत के सैनिक को, भारत के जवान को ये कैसे पता चले कि किस जमीन की रक्षा करनी है, कौन सी हमारी जमीन है और कौन सी चीन की जमीन है। और यही बात करने के लिए अब भारत ने अपने विदेश मंत्रालय के जरिए ये बात स्पष्ट करनी शुरू की है चीन के साथ कि पहले आपको सीमा निर्धारण करना पड़ेगा, आपको ये तय करना पड़ेगा कि सीमा है कहां पर, और सीमा जो आप कह रहे हैं कि ये LAC है, इस LAC को आप किस आधार पर LAC बता रहे हैं, इसके पीछे की भूमिका क्या है, इसके पीछे के डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। इसलिए एक नई स्ट्रेटजी है भारत की जिसमें भारत अब चीन से यह कहता है कि आप पहले अपनी सीमा को डिफाइन करिए, पहले बताइए तो सही कि आपकी सीमा है कौन सी और वो सीमा आपने कैसे तय की, इसके पीछे किसका दिमाग है। इसलिए ये एक नया युग है। चीन के साथ भारत का सीमा विवाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में शुरू हुआ था जो आज तक सुलझा नहीं, और यही हाल भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे सीमा विवाद का भी है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में हुए बंटवारे की गलतियों को हम अब तक भुगत रहे हैं। तब बंटवारे की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार के एक वकील सर सिरिल रेडक्लिफ को दी गई थी और सिर्फ 5 हफ्ते में उन्होंने नक्शे पर दोनों देशों का बंटवारा कर दिया। सोचिए एक ऐसा व्यक्ति जो पहली बार भारत आया है, भारत के बारे में कोई जानकारी नहीं है, 5 हफ्ते में उसने भारत का बंटवारा कर दिया, पाकिस्तान बना दिया और भारत बना दिया। और जल्दबाजी में किए गए इस फैसले में कई बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई। तब एक इंटरव्यू में सिरिल रेडक्लिफ ने बताया था कि तब पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं था, इसलिए उन्होंने लाहौर शहर पाकिस्तान को दे दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास शहर नहीं है। हालांकि लाहौर में ज्यादातर जनसंख्या हिंदुओं की थी, उस नाते लाहौर भारत में होना चाहिए था, लेकिन तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने भारत के आम लोगों की भावनाओं की कभी परवाह नहीं की।